आज हम बात करेंगे मिस्टर अजय केडिया जी से, वो आज सोयाबीन का व्यू बताएंगे। अजय सर, सोयाबीन के बारे में क्या लगता धन्यवाद भैया। कि अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में हमने मेरी तरह से बहुत अच्छी तेजी नवंबर और दिसंबर महीने में आते हुए देखी, बट जनवरी आते आते हमने देखा प्राइसेस में एक से गिरावट जैसा माहौल बन चुका है। सर, मार्केट की अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा जैसे ही बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ, इमीडिएटली मार्केट में एक गिरावट भरा माहौल हमने देखना चालू कर चुके हैं। ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते में 6% की गिरावट सोयाबीन के भाव में आती हुई देखी है, और इनफैक्ट आज के सेशन में हमने 4450 का लेवल भी छूते हुए देख चुके हैं। जिस दिन से 12 स्टेट के अंदर अब बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट आना चालू हो चुका है, ये कहीं ना कहीं जो डिमांड रहती है सोयाबीन की पॉल्ट्री इंडस्ट्री से प्रोटीन के लिए, ये कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से ये फॉल है। वहीं इंटरनेशनल की भी अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने सोयाबीन के भाव में गिरावट आते हुए देखी है। नो डाउट नवंबर दिसंबर में बड़ी तेजी के बाद ऐसी आशंकाएं लगा के चल रहे थे कि कुछ करेक्शन देगा, बट जिस ढंग से हमने देखा कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में बड़ा फॉल आया है, वो एक मुख्य कारण था जिसके चलते हमने सोयाबीन के भाव में इंटरनेशनल में भी गिरावट देखी है और उसी का रिप्लिका डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले हमने देखा कि सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग था, क्योंकि एक तरफ हमने ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर तेजी बरकरार देखी थी, अर्जेंटीना में भी हमने देखा था कि जो क्रॉप है कुछ डैमेजेस हुई थी ड्राई वेदर के चलते, जिसकी वजह से प्राइसेस में तेजी बनी हुई थी। चाइना भी कंटिन्यू बाइंग कर रहा था, सभी फैक्टर काफी बड़ी तेजी का रिलीज दे रहे थे, जिसकी वजह से हमने ये तेजी आती हुई देखी। डोमेस्टिक मार्केट में पिछले साल के मुकाबले इस बार क्रॉप इन लाइन है, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में लग रहा है कि मार्केट इन लाइन ही रहेगा। बट सबसे मुख्य बड़ा कारण है, पहला है बर्ड फ्लू का आउटब्रेक, और सेकेंडली एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जब तक मंदी जारी रहेगी सोयाबीन में भी गिरावट रहेगी। अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकली मार्केट 4500 का लेवल तोड़ चुका है, इस वक्त 4450-60 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है प्राइसेस को इमीडिएट सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4250-4280 की रेंज में। इससे पहले वाले महीने में भी हमने देखा था कि प्राइसेस 4200-4300 के बीच में जाकर पूरा बाउंस करता हुआ दिखाई दिया। तो अगले 15 दिन, अगले 7 दिन अगर हम बात करें, 7 से 15 दिन, ये काफी क्रुशियल रहेगा कि अगर सोयाबीन 4200 या 4300 के बीच का जो लेवल है ये अगर ब्रीच कर जाता है तो हम बड़ी मंदी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो ऑयल कॉम्प्लेक्स तेजी दे रहा था सोयाबीन को, अब वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में बर्ड फ्लू के चलते पॉलिट्री इंडस्ट्री से जो रिवाइवल ऑफ डिमांड थी वो कहीं ना कहीं अब इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन ऑल हमें लगता है कि जब तक प्राइसेस फिर से 4650 का लेवल रीगेन नहीं करता है, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है, बेच के चला जा सकता है। बट मेजर ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ हम 4250 या 4300 के नीचे क्लोज होने पे ही देख पाएंगे, जिसके चलते प्राइसेस में बड़ा दबाव 1050 तक का पहला सपोर्ट दिखा सकता है या उसके नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल फंडामेंटल जो हमने देखे हैं वो कहीं ना कहीं अब ओवरडन हो चुके हैं, जहां पे हमने चाइना सोयाबीन इंपोर्ट देखा था यूएस से जो 52% बढ़ा था 2020 में, अब एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड। वेदर कंडीशन डिस्काउंट हो चुका है, ऑयल की तेजी डिस्काउंट हो चुकी है, चाइना का इंपोर्ट डिस्काउंट हो चुका है। इनफैक्ट अगले महीने से चाइना मार्केट हॉलीडे पे भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सोयाबीन के प्राइसेस में एक बड़ी बिकवाली जा सकती है जो 4250 का पहला लेवल और उसके नीचे 4050 तक का भी लेवल दिखा सकता है। धन्यवाद।